और गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। 5 साल के रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखी गई है और इसके चारों तरफ आभा मंडल है। वहीं मूर्ति के दाएं से बाएं तक भगवान विष्णु के 10 अवतार बनाए गए हैं, जो कुर्म, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, मत्स्य, वाराह, बुद्ध और कल्कि हैं। रामलला की प्रतिमा के सिर पर सूर्य विराजमान हैं। वहीं आभा मंडल के नीचे राम जी के परम भक्त हनुमान जी बनाए गए हैं और इसके अलावा मूर्ति पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा भी उकेरे गए हैं। राम लला की मूर्ति को कमल के आसन पर विराजित किया गया है। प्रभु श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे हैं और इसलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को मूर्ति पर उकेरा गया है। प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भव्य ये चिन्ह बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि श्री राम का छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया से भी खास संबंध है। यहां त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और यहीं पर बालमदही नदी पर सीता मैया ने राम जी के लिए तपस्या भी की थी। एक रिपोर्ट। ये वही स्थान है जहां माता सीता राज सुख छोड़कर चली आई थी। ये वही स्थान है जहां माता ने लव और कुश को जन्म दिया था। जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया तो लक्ष्मण उन्हें महर्षि वाल्मीकि के इसी आश्रम लेकर आए थे। इसी आश्रम में लव कुश ने अपना बचपन बिताया और शिक्षा ग्रहण की। परमपिता परमेश्वर रामलला की स्थापना हो रही है, इसके लिए तो मैं हजारों कौन कहे कोटि कोटि नमन करता हूँ कि अभी सरकार के द्वारा जो स्थापित की जा रही है ये बहुत ही खुशी की बात है। अयोध्या में हमको तो बहुत ही प्रसन्नता है। अब यहाँ हम प्रसन्नता को कैसे बताएं? इस मंदिर का नाम तुरतुरिया होने का मुख्य कारण है बलभद्र नाले का चट्टानों से होकर गुजरना और उसके नीचे गिरने के पश्चात उससे निकलने वाली बुलबुले से तुरतुर की ध्वनि। इसी तुरतुर ध्वनि के कारण इसे तुरतुरिया धाम के नाम से जाना जाता है। उन्हें रही बात महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूम तुरतुरिया, तू तू करके नाम से पानी गिरता है, इसलिए इसका नाम तुरतुरिया पड़ा। योग साधना में सुसुप्ति तुरिये एक साधना होता है, तो वो तुरिये एक साधना को लेकर हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो है इस जगह का नाम तुरतुरिया रख दिया। अब महर्षि वाल्मीकि आश्रम देखिए, पहले चित्रकूट में थे, भगवान राम जी वनवास हुए उस समय वो चित्रकूट में थे। दक्षिण भारत जब स्वतंत्र हुआ, जहां हम लोग बैठे हैं ये खरदूषणों का राज्य था, स्वतंत्र होने के बाद भगवान अयोध्या गए और वाल्मीकि जी दक्षिण भारत को देखने के जिज्ञासा से इधर आए। तुरतुरिया में बालमदही नदी मौजूद है। कहा जाता है कि सीता मैया ने राम जी के लिए महर्षि वाल्मीकि के कहने पर यहां तपस्या की थी और बहुत से आलेख यहां मिलते हैं। हालांकि श्री राम वनगमन पथ के दौरान इस जगह को कुछ संवारने का प्रयास किया गया, जो कि तुरतुरिया को प्रसिद्ध भी बनाता है। वाल्मीकि जी तपस्या करवाए क्या? तो पति से मिलने के लिए वाल्मीकि जी सीता जी को तपस्या करवा रहे थे। उस समय ये नदी का नाम देखिए, आज भी उसका नाम ज्यों का त्यों बरकरार है, बालम देही। और बालम नाम पति को कहते हैं, तो पति से मिलने के लिए उस नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करवाए। मंदिर के पास पर्वत पर एक गोमुख बना है, उससे जल भी निकलता रहता है। इस जल से बने नाले को लोग सुरसुरी नदी कहते हैं। गोमुख के जल के पास विष्णु भगवान की 2 प्रतिमाएं हैं और एक शिवलिंग भी मौजूद है। हनुमानित ही परसा
कर कुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुंदर कांड का यह पाठ है जो हनुमान जी को लेकर है कि जब तक हनुमान जी श्री राम जी का कार्य नहीं कर लेते तब तक विश्राम नहीं करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ जो कि श्री राम जी के मामा का गांव है, चाहे चंदकुरी की बात करें चाहे तुरतुरिया की बात करें, श्री राम जी के लव और कुश की जो नगरी है उसे तुरतुरिया का स्थान दिया गया है। लव और कुश यहाँ पर थे जब सीता मैया यहाँ थी, वहाँ वाल्मीकि आश्रम भी मौजूद है और बहुत कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो श्री राम जी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सीता मैया ने जब श्री राम को पाने के लिए वहाँ तपस्या की थी वो नदी भी मौजूद है, जिसे आज बालमदेह नदी के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि जी का वहाँ आश्रम मौजूद है जहाँ पर लव और कुश खेला करते थे। वो पूरी हिस्ट्री हम आपको दिखाएंगे न्यूज 18 की इस खास रिपोर्ट पर, देखिए हमारे साथ। पूरा देश राममय हो गया है, हर कोई भगवान राम के भजन गुनगुना रहा है, राम को स्मरण कर रहा है। ऐसे में सरगुजा के रहने वाले गायक स्वप्निल जायसवाल का छत्तीसगढ़ी में गीत खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सजाबो घर गली परछी, ये गाना प्रदेशवासियों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। सजाबो गली परछी, अवधपुरी राम आए हैं, मनाबो मिलकर दिवाली, दिया मन के जलाबो जी। प्रदेश के गायक स्वप्निल जायसवाल का ये गीत इन दिनों प्रदेश के हर वासी के जुबां पर है, जब पूरा देश ही राममय होकर राम धुन गुनगुना रहा है। ऐसे में सरगुजा का ये कलाकार भी प्रभु के लिए अपनी भक्ति को रोक नहीं पाया और बना दिया भगवान राम का मधुर गीत। सजाबो घर गली परछी, अवधपुरी राम आए, मनाबो मिल के दिवाली, दिया मन के जलाबो जी। अबड़ दिन बाद मिले है मौका ये तिहार मनाए के, धन्य है भाग हमरो घर प्रभु जी चल के आए। चोला तर जाही मन के, प्रभु के दर्शन ला पाके जी। स्वप्निल जायसवाल का ये गाना सोशल मीडिया पर ऐसा हिट हुआ कि मात्र कुछ घंटों में ही गाने को 10 लाख से भी अधिक लोगों ने देखा और अभी भी इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान राम के इस छत्तीसगढ़ी गीत को जमकर लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जो रामगढ़ सभी को पता है, भगवान राम अपने वनवास के दौरान बहुत समय वहाँ पर गुजारे थे, तो बचपन से हम श्री राम जी के काफ़ी उनसे लगाव था। और चूंकि आज माहौल जो है हर तरफ राममयी है और श्री राम का ही नाम हर तरफ है, तो मैंने भी बस सोचा, मैं खुद को रोक भी नहीं पाया कि मैं इस भक्तिपूर्ण भाव से अपने गीत को पेश करूँ, तो इसे लिखा है मेरे मित्र फरुण यादव जी ने। बता दें कि स्वप्निल जायसवाल के द्वारा लिखे और गाए हुए इस गीत को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी शेयर किया। गाना सरगुजा के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में धूम मचा रहा है। भगवा रंग में रंगी अयोध्या, राम जी अयोध्या आए, शुभ दिन है ये भारत देश का, अयोध्या के राजा है आए। कितने खुश हैं क्या बताएं, नैनों में दीप जलाएं, राम जी को देख कर दो नैना भर आए। तो ये थे स्वप्निल जायसवाल, जिनके गाना अब पूरे छत्तीसगढ़ में धूम मचा रहा है। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। के बड़वाह के दिव्यांग आयुष ने राम भक्ति की एक अनूठी मिसाल पेश की है। दिव्यांग आयुष कुंडल ने पैरों से भगवान श्री राम के मंदिर की पेंटिंग बनाई है। सिर्फ 8 दिन में दिव्यांग चित्रकार ने पेंटिंग में भगवान राम के प्रति आस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी प्रकट किया। और पेंटिंग से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगन के साथ उन्होंने पेंटिंग बनाई है और पेंटिंग में अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के साथ ही मंदिर में प्रवेश करते भगवान दिखाए गए हैं।
मंदसौर में तलाई वाले बालाजी मंदिर पर आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा नगर भ्रमण पर निकलेगी और मंदिर को अयोध्या की तरह सजाया गया है। महिलाएं 2100 कलश धारण करके नगर भ्रमण करेंगी। और टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 8 दिवसीय मंगल उत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें रावतपुरा सरकार पंडित श्री रवि शंकर महाराज भी शामिल हुए, साथ ही हजारों श्रद्धालु भी यहां पहुंचे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बसवो देवता रुद्रा देवता बृहस्पति देव विष्णु देवा।